हाय, वेलकम यू ऑल ऑन पूनम्स डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज चीज सैंडविच। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स ली हैं, कैप्सिकम, दो टमाटर और चार अनियंस। अब हम इन्हें चॉप कर लेंगे चॉपर की मदद से, आप नाइफ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम इन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम इन्हें गैस पर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। तो आप गैस पर इनको डायरेक्टली डाल दीजिएगा और फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो आप इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ऐसे पकाएं, ठीक है, फिर इनको निकाल लीजिएगा। अब हम यहाँ पर अपनी स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। तो हमने एक बोल में अपना कैप्सिकम डाला है, फिर अनियंस डाल दी, फिर टमाटो डाला। अब इन सबको मिला लेंगे। तो अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे मेयोनीज। ये है डॉक्टर ओएटकर फन फूड्स के मेयोनीज, आप किसी और ब्रांड के भी ले सकते हैं, बट इट्स गुड। और ये ओरिजिनल है, नॉन फ्लेवर्ड। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना टमाटो केचप, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, मैंने थोड़ा ही डाला है। इसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, राइट। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे ओरिगैनो, आप ओरिगैनो और कोई भी मिक्स हर्ब्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, अभी हमारे पास ओरिगैनो था तो वही डाला। नेक्स्ट हम डाल रहे हैं एक पैकेट मैजिक मसाला, मैगी मैजिक मसाला, और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम डालते हैं मसाला, लगभग हमने आधा चम्मच नमक डाला है और 1/4 स्पून लाल मिर्ची, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। लगभग 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और ये इस तरीके से हमारा बिल्कुल स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम इसमें हम चीज़ डालेंगे। तो चीज़ मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है, ये है ब्रिटानिया का प्रोसेस चीज़ गाइस, क्यूब चीज़ था ये, उसको मैंने ग्रेट किया। और ब्रेड मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड दोनों यूज़ किए हैं, अलग अलग ब्रांड्स के। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं अपने सैंडविचेस प्रिपेयर करने के लिए, सारा मटेरियल है और मैं इसको घी से सेकूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने टोस्टर में ही इसको सेकूँगी, आप तवे पर भी सेक सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम ब्रेड्स में अपनी स्टफिंग फिल करेंगे, दिस इज ब्राउन ब्रेड। हम इसके ऊपर डालेंगे अपना चीज, आप ज्यादा चीज भी डाल सकते हैं इसको ओवर चीजी बनाने के लिए। आप दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर घी या फिर बटर स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से, और फिर हम इसको डालेंगे अपने प्री हीटेड टोस्टर। मैंने इसको थोड़ा प्री हीट कर लिया था, अब हम इसको बंद कर देंगे। और इसमें सिग्नल आता है कि जब इसमें जो अंदर डला हुआ जो भी आपका सैंडविच है वो प्रिपेयर हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है। तो उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया और ये बिल्कुल ग्रिल्ड हो गया है, बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा सैंडविच। मैंने बाकी भी इस तरीके से तैयार कर लिए थे, इस बार मैंने 2 लगाए थे। और आप देखिए कितनी क्रिस्पी, और इसका अंदर तक का जो चीज़ है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो गया। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए, इट्स सो यमी गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। मैं आपको एक और कट करके दिखाती हूँ। आप इसको रेड केचप के साथ, चाय के साथ, जिससे आपका मन हो आप उसके संग खा सकते हैं। ये देखिए चीज़ किस तरीके से मेल्ट हुआ है इसमें, मैं आपको एक पूरा अंदर से दिखाती हूँ खोल के इसका लेयर। ये देखिए गाइस, ये देखिए, सो दिस वाज इट। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय।